नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां जानिए कैसे रूस से लेकर राफा तक युद्ध की विध्वंस तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कल पुतिन ने पांचवी बार राष्ट्रपति की शपथ ली। शपथ लेते ही यूक्रेन पर नए सिरे से अटैक शुरू किए। कीव और उसके आसपास के इलाकों में भीषण बमबारी हुई। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि कल रूस की विक्ट्री डे परेड है और पुतिन ये संकल्प ले चुके हैं कि विक्ट्री डे पर रूस को यूक्रेन के तौर पर गिफ्ट दिया जाए। वहीं नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है। राफा में कल रात से जोरदार बमबारी की खबर है। राफा अभी तक इजरायली मिसाइलों से बचा हुआ था, लेकिन कल से राफा में अभियान शुरू हो गया और बड़ी तादाद में आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं रूस यूक्रेन जंग में जिस चीज का डर था वही हुआ। बड़ी खबर, कल पुतिन ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। शपथ लेने के दो घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, इवानो, लावोव, साथ ही पोल्तोवा में बारूदी बोछार कर दी है। रूस अब यूक्रेन से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। पुतिन ने अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर फतेह का प्लान बनाया है। तो अब कब्जे का प्लान आखिर है क्या? पुतिन के शपथ लेने के बाद यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है और शपथ के दो घंटे बाद कीव पर रॉकेट की बरसात। यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बोछार। इवानो, लावोव, पोल्तोवा पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। यूक्रेन में तबाही का मंजर देखिए। और रूस यूक्रेन की बैटल ग्राउंड से अब ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है जिससे इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि जंग निर्णायक होने जा रही है। पुतिन 9 मई से पहले सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका और फ्रांस के नए हथियारों की सप्लाई से पुतिन बहुत गुस्से में हैं और पुतिन अब इस जंग को और ज्यादा नहीं खींचना चाहते। पुतिन ने दे दी है चेतावनी, अब यूक्रेन में आर पार की लड़ाई होगी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस आज और कल में यूक्रेन पर और भीषण हमला करेगा। पुतिन का बारूदी प्लान क्या है और किस तरीके से आर पार के मूड में है, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में एक साथ कई शहरों पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। रात भर कीव पर मिसाइल से बारूदी बौछार हुई है। इवानो, लावो, पोल्तोवा के क्रमचुंग शहर पर भी MLRS अटैक को लेकर खबर आई। पूर्वी यूक्रेन में टैंक, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने काला सागर से भी यूक्रेनी फ्रंट पर हमला बोला है और कैमिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी टैंक और सैन्य काफिले पर प्रहार को लेकर भी खबर है। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम भी हो चुके हैं एक्टिव। अब रूस ने कीव के आसपास के इलाकों में सीरियल एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा रखी है और रूसी वायुसेना ने F-16 के लिए बनाए जा रहे सैन्य डिपो पर भी हमला किया है। एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी सैन्य डिपो कैसे तबाह हुआ ये तस्वीर देखिए। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए विनाशक प्लान बनाया है। रूस यूक्रेन पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला करना चाहता है। यह पूरा प्लान आखिर है क्या? अब इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि पुतिन का यह घातक प्लान, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने चौतरफा हमले का यह प्लान बनाया है, जहां वॉर फ्रंट पर टैंक, आर्टिलरी, MLRS तैनात कर दिए गए हैं और यूक्रेन पोलैंड सीमा पर S-300 और S-500 की तैनाती को लेकर भी खबर आई है। हालांकि काला सागर में अलर्ट मोड पर रूसी युद्धपोत बताए जा रहे हैं। अब फाइटर जेट्स और बॉम्बर से बारूदी बौछार को लेकर भी जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, इस वक्त यूक्रेन पोलैंड सीमा पर S-300-500 की तैनाती को लेकर इनपुट है। काला सागर में अलर्ट मोड पर रूसी युद्धपोत बताए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स और बॉम्बर से बारूदी बौछार को देखते हुए ही ये क्या प्लान है जिसके तहत ये मान लिया जाए कि 9 मई से पहले बड़ा एक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हैं। न केवल वो पांचवी बार राष्ट्रपति बने हैं, बल्कि 2 साल से अधिक समय से रूस लगातार नाटो द्वारा सप्लाई किए हुए तमाम हथियारों को खत्म करने के बाद अब उन्हें यह लगता है कि अब मौका आया है जब रूस आक्रामक होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं 9 मई यानी कल जब रूस अपना विक्ट्री दिवस मनाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे नाटो के जो हथियार हैं
उनको रूस ने कब्जे में किया, उसको लेकर वो जगहसाई करने की कोशिश करेंगे नाटो की, और दूसरी तरफ रूस अपनी ताकत को दिखाएगा। तो ये बात सही है कि 9 मई के बाद आप रूस के खासकर पुतिन का वो कॉन्फिडेंस देखेंगे जहां पर वो यूक्रेन में और अधिक आक्रामक होंगे, यूक्रेन की नई टेरिटरी को पर कब्जा करेंगे और साथ ही साथ यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर करना है उस दिशा में उनकी रणनीति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन पुतिन की ये तैयारी और किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब पुतिन तैयार है नेटो देशों पर भी हमले के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पोलैंड के खुफिया विभाग के प्रमुख जारोस्लाव स्ट्रोजिक का यह दावा कि पुतिन नेटो देशों पर हमले के लिए तैयार है। पांचवी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन आक्रामक हो चुके हैं, नेटो देशों के कुछ हिस्से पर कब्जा भी संभव बताया जा रहा है। ये होगा कैसे और किस तरीके से ये दावे पोलैंड की तरफ से किए जा रहे हैं और दावा किया किसने है ये भी आपको बता देते हैं। जारोस्लाव स्ट्रोजिक, जो कि पोलैंड के काउंटर इंटेलिजेंस के प्रमुख बताए जाते हैं, वो अपने इनपुट लगाकर ही नेटो देशों में जिस तरीके से शेयर करते रहते हैं वो किस खतरे के लिए अब नेटो को आगाह कर रहे हैं, यही होगा मेरा सवाल। लेकिन उससे पहले पुतिन के इस आक्रामक प्लान को समझिए और कैसे इस प्लान के मुताबिक निशाने पर नेटो है, जानिए। स्वीडन एस्टोनिया के कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है रूस और इस कब्जे के बाद रूस और नेटो आमने सामने भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि स्वीडन एस्टोनिया सीमा पर रूसी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ गई हैं वो बड़ा संकेत दे रही हैं और पश्चिम को परखने के लिए पुतिन क्या नेटो पर हमला कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। हालांकि रूस किसी भी वक्त स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए तो तैयार है ही, लेकिन पोलैंड के खुफिया प्रमुख जिस तरीके से ये बड़ा दावा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में अब आगे आपके सामने एक मैप के आधार पर रखूंगी और मनीष मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें कि कैसे पुतिन का नेटो देशों खासकर एस्टोनिया और स्वीडन पर हमले का ये जो प्लान है इसको देखते हुए ये मैप समझना बहुत जरूरी है। अब ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि हमले का ये प्लान क्या है, मनीष प्लीज आप इस तरफ आए क्योंकि इस मैप को आप पूरी तरीके से इवैल्यूएट करते हुए बताइएगा और उसी के साथ साथ मैं ये बता देती हूं कि आखिर किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि स्वीडन के कुछ द्वीपों पर कब्जा, एस्टोनिया के नरवा पर कब्जा और पुतिन की मिनी ऑपरेशन की ये तैयारी। अब ये मिनी ऑपरेशन स्मॉल स्केल ऑपरेशन कहां और कैसे दिए जा सकते हैं अंजाम, मनीष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन बीते 200 साल से न्यूट्रल कंट्री रहा था, लेकिन अब स्वीडन और फिनलैंड दोनों नाटो मेंबर हो गए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री पहले से ही नाटो मेंबर भी हैं और लगातार कहते हैं कि रूस से उनकी लड़ाई होगी। और पोलैंड के साथ तो हमने देखा ही है कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो सबसे अधिक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ऐसी स्थिति में इन सबका ये कहना है और खास करके इन्हें ये लगता है कि रूस इन पर आक्रमण करेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस को यह लगता है कि नाटो कंट्री होने की वजह से अमेरिकी हथियार और इनमें से बहुत सारे जगह पर अमेरिकी बेस और अमेरिकी परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो हमारे लिए खतरा है। दोनों एक दूसरे को खतरा बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि कहीं कोई एक चिंगारी होगी और फिर इनके बीच में लड़ाई होगी। अगर लड़ाई हुई तो कहां होगा, लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी बात है। जी बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, अगर लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाल्टिक कंट्री के लोग चाहेंगे कि कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ रूस की कोशिश होगी कि कम से कम किसी एक जगह पर वो टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल। लेकिन बेलारूस यहां पर फिलहाल इस मैप में मेंशन नहीं है, लेकिन रूस की जिस तरीके से तैयारी है उसी को देखते हुए बड़ी खबर यही है क्योंकि रूस के सहयोगी देश बेलारूस में अब हलचल तेज हो चुकी है और बेलारूस ने जिस तरीके से परमाणु युद्धाभ्यास शुरू किया है इसको लेकर इन्फॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी। सामरिक परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और यूक्रेनी सीमा के पास बेलारूस के युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। युद्धाभ्यास में रूसी सैन्य टुकड़ी भी बताई जा रही है शामिल। सुमित, इसी ड्रिल को जरा ये जो तस्वीरें सामने आती हैं इनको समझाएं क्योंकि यूक्रेनी सीमा के पास बेलारूस के युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी करते हुए भी बड़ा संकेत मिलता है। देखिए, ये आप निश्चित तौर पर मानिए कि बेलारूस वो ही करेगा जो रूस उसे कहेगा और बेलारूस वो देश है जो लगातार ये बात कह चुका है कि न्यूक्लियर वेपन लगातार रूस से मांग चुका। और ये ड्रिल इसलिए की जा रही है कि अगर पहला आप कह सकते हैं कि जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस होंगे पोलैंड के ऊपर या फिर जर्मनी के ऊपर या फिर दूसरे फ्रांस के ऊपर, वो बेलारूस की जमीन से ही स्टार्ट होंगे। दरअसल जो बफर जोन है रूस और इन यूरोपियन देशों के बीच में वो यूक्रेन का है और इसीलिए बेलारूस एक ऐसा टेक्टिकल इलाका है
जहां से ये ऑफेंसिव ऑपरेशन रूस बड़ी आसानी से चला सकता है, मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकता है। और यही वजह है कि युद्ध स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही बेलारूस में रूस ने अपनी बड़ी तैनाती कर दी थी। इस वक्त ये जो ड्रिल हो रही है, नेटो देशों पर दबाव की रणनीति तो है ही ये, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि Su-25 की स्क्वाड्रन अभ्यास में शामिल बताई जा रही है, यहां तक कि स्कैंडम मिसाइल से भी युद्ध अभ्यास हो रहा है। सुमित देखिए, बहुत आप मान के चलिए कि रूस ने अपने बहुत स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो है वो बेलारूस में डिप्लॉय कर रखे हैं। कहा यह भी जाता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रूस ने डिप्लॉय किए हैं। और रूस को ऐसा लगता है कि अगर यूरोप के किसी भी देश ने कभी ऐसी कोशिश की तो बेलारूस ही वो जमीन होगी जहां से पहला ऑफेंसिव ऑपरेशन या अटैक किया जा सकता है। और यही वजह कि ड्रिल्स को करने का मकसद होता है कि आप दूसरे देशों को ये मैसेजिंग दे सके कि आपके लिए हमारी तरफ आने से बेहतर है कि आप अपने इलाके में रहें। अगर आप ऐसा किया तो पहला अटैक जो होगा वो इस सरजमीन से होगा। देशों को मैसेज दें या पश्चिम को दिखा दें कि किस तरीके से सीधी टक्कर हो सकती है। लेकिन इस बीच रूस मिसाइल भंडार बढ़ाने पर भी जुट गया है। एक और बड़ी खबर यह है कि संभावित महायुद्ध के मद्देनजर ही रूस की यह तैयारी देखने को मिल रही है, जहां मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर पुतिन का पूरा फोकस है। अब अमेरिकी मिसाइलों से ज्यादा मिसाइल रूस चाहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसी आधार पर और इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि रूस का मिसाइल भंडार पश्चिम पर प्रहार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूस के पास नेटो देशों से ज्यादा बड़ा मिसाइल भंडार है। महत्वपूर्ण दूसरी बात यह कि बहुत तेजी से मिसाइल के प्रोडक्शन को भी रूस बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। तीसरी बात, रूसी तैयारियों से यह साफ है कि महायुद्ध बहुत नजदीक है। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि पुतिन को नेटो से टकराव का भी अंदेशा है। अब रूसी रणनीतिकारों को पश्चिम से भी खतरे का आभास है। ऐसे में युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मिसाइलों पर पुतिन का यह फोकस, वहीं रूसी मिसाइल भंडार पर अमेरिका में जिस तरीके से चिंता है, रिपोर्ट्स में इसी आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रूस अब आगे स्ट्रैटेजी अपनाते हुए और एग्रेशन के साथ इस युद्ध भूमि में आगे बढ़ने को तैयार है। मनीष बिल्कुल सिर्फ भी आपको याद होगा कि जब रूस की तरफ से मिसाइल से अटैक किए जाते थे कीव में, लबीब में, और तब उस वक्त पश्चिमी देश कहते थे अगर नए हथियार नए मिसाइल होते थे तो कहा जाता था कि रूस के पास पुराने मिसाइल खत्म हो गए हैं इसलिए नए मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर पुराने मिसाइल होते थे तो कहा जाता था कि पुराने मिसाइल इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि नए मिसाइल खत्म हो गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार या कहते रहे कि रूस के पास मिसाइल नहीं है, मिसाइल खत्म हो गए या मिसाइल के भंडार खत्म हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में रूस के पास, नाटो के पास जितने मिसाइल हैं उनसे ज्यादा मिसाइल हैं, उनसे ज्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन हो रहा है। और सबसे अहम बात, अगर यूक्रेन की तरफ से एक गोले दागे जा रहे हैं तो जवाब में रूस की तरफ से 17 गोले दागे जा रहे हैं। तो आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कि किस तरह के मिसाइल या गोले का भंडार अभी रूस के पास है। ऐसे में सुमित सवाल तो ये कि आखिर अमेरिका को किस तरीके से अब खतरे के ये आभास नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज जिस लिहाज से पुतिन अपना रहे हैं इसकी स्पेकुलेशंस तो यूएस पहले भी कर चुका है, लेकिन मुश्किल में आखिरकार अमेरिका को ही डाल दिया पुतिन ने। देखिए सुरभि, ये जमाना जो है वो साइबर वॉरफेयर का और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का, जैसा मनीष ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। दरअसल वेस्टर्न मीडिया खासतौर पे इस तरीके की मैनिपुलेशन या फिर अमेरिका अपनी एजेंसीज के इस्तेमाल से करता रहता है कि देखिए रूस जंग हारने वाला है, कन्वेंशनल वेपन्स उसके खत्म हो गए, उसके बाद मिसाइल्स आर्म्स एंड एम्युनिशंस खत्म हो गए, और इस तरीके के साई ऑप्स इसलिए किए जाते हैं ताकि सामने वाले देश को प्रेशराइज किया जा सके। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि अमेरिका इस समय एक ट्रैप में फंस गया है। अमेरिका ना सिर्फ रूस यूक्रेन में, इसराइल हमास में, यहां तक कि चीन और ताइवान के अंदर कई मल्टीपल फ्रंट पे फंस चुका, और अमेरिका ये जानता है कि उसके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है इन सभी लायबिलिटीज का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अमेरिका ये भी जानता है कि अगर वो ऐसे ही उलझा रहा तो निश्चित तौर पर जो अलायंस नया बन रहा है, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया, वो निश्चित तौर पर पीछे नहीं हटेगा अमेरिका पे भी डायरेक्ट अटैक करने के लिए। और यही वजह है कि अमेरिका इस प्रेशर को मानते हुए लगातार ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। ज़ेलेंस्की को मारने की साजिश का पर्दाफाश। आपको बता दें यूक्रेन का दावा, रूसी साजिश को नाकाम किया। यूक्रेन के कई बड़े नेता और ऑफिसर भी थे निशाने पर। अब ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश और उस साजिश को नाकाम करने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दावे ये कि यूक्रेन के कई बड़े नेता और ऑफिसर्स इनके निशाने पर थे। दावा ये यूक्रेन का कि रूसी साजिश को उन्होंने नाकाम कर दिया है। अब खबर है क्या, इंफॉर्मेशन और डिटेल में आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज ने रूस की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। करीबी ऑफिसर्स के जरिए ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश को लेकर दावे किए जा रहे हैं। साजिश में कथित रूप से शामिल दो सुरक्षा कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन के दो कर्नल पर पैसा लेकर साजिश में शामिल होने का आरोप है और दोनों ऑफिसर्स पर राजद्रोह का भी मामला दर्ज है। इनमें से एक को रूस की राज्य सुरक्षा सेवा से दो ड्रोन गोला बारूद मिला,
और जिस तरीके से अभी फिलहाल इन ऑफिसर्स से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े दावे यही किए जा रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दूसरे युद्ध क्षेत्र की, क्योंकि गाजा पट्टी के बाद अब रफा में भी नया युद्ध मोर्चा खुला हुआ है और पिछले कुछ घंटों में रफा में आसमान और जमीनी दोनों ही जगह से विनाशकारी हमलों को अंजाम दिया गया है। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी कैसे रफा का चप्पा चप्पा इजरायली टैंक की बमबारी से दहल रहा है। आसमानी हमलों से हमास के ठिकाने जमींदोज हो रहे हैं। रफा में इजरायली हमलों के बाद 15 लाख लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। ईरान समेत सभी मुश्किल देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की इजरायल के हर एक्शन पर नजर है, वहीं अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिकी अधिकारियों के इजरायल और इजिप्ट दौरे जिस तरीके से हो रहे हैं उसी को लेकर अब एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां सबसे पहले जानिए कैसे रफा में IDF की 401वीं ब्रिगेड के एक्शन को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई और कैसे हमास की सुरंगों पर टैंकों से हमले को दिया गया अंजाम। तो फिलहाल बड़ी खबर और अब तस्वीर आपके सामने, ये देखिए हर जगह लगातार हमलों को अंजाम देने के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां हमास की सुरंगें टारगेट पर थी, जहां कई ऐसे इलाके टारगेट पर थे जहां सिविलियंस थे और उन्हीं सिविलियंस के ऊपर जिस तरीके से बम वर्षा हुई है उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। हमास की सुरंगों पर टैंकों से हुए वार के बाद की ये तस्वीर देखिए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इजरायल ने राफा पर इतना विध्वंसक हमला क्यों किया। राफा पर बारूदी प्रहार की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन इजरायल के इस हमले की वजह क्या है ये जान लीजिए। बंधकों की रिहाई पर दबाव बनाने की ये रणनीति है। हमास की कैद में करीब 132 बंधक बताए जा रहे हैं। इजरायल को घुटनों पर लाने के लिए ही ये ट्रंप कार्ड चला गया है। इजरायल हमास के दबाव में नहीं आना चाहता। राफा में भीषण हमले इसकी एक सबसे बड़ी वजह है मनीष, यही एक सबसे बड़ी वजह। लेकिन इस वजह को देखते हुए क्या ये नहीं मान लिया जाए कि बंधकों तक पहुंचना अब इजरायल के लिए बड़ी चुनौती हो गया। देखिए, अगर बंधकों की रिहाई इजराइल का लक्ष्य है तो फिर जानकारों का यह मानना है कि एक्शन की जगह नेगोशिएशन उनके लिए ज़्यादा बेहतर सटीक साबित होता। लेकिन वो कहते हैं कि हम हमास के खात्मे तक ये जंग चलेंगे, और हमास का खात्मा क्या कब होगा? क्या राफा पर कार्रवाई करने से हमास का खात्मा हो जाएगा? आपके कार्यक्रम में ही हम लोगों ने दर्शकों को ये बताया था कि इजराइल का गाजा का असली प्लान क्या है। हमने कहा था कि कैसे राफा को पार कर वो सिनाई के डेजर्ट तक इन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गई है, बस पूछ बाकी है। नॉर्थ गाजा से जो ऑपरेशन 7 महीने पहले शुरू हुआ था अब वो राफा तक पहुंच गया है। अब बस इन 15 लाख लोगों को राफा क्रॉसिंग करवाना है। इस आइडिया के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। भले ही अमेरिका कहता हो कि ये लिमिटेड ऑपरेशन है, लेकिन ये ऑपरेशन लंबा चलेगा, और अगर हफ्ता 10 दिन भी ये चला तो मरने वाले की संख्या 34,000 से 50,000 हफ्ते दिन में भी हो सकती है। राफा क्रॉसिंग कराना ये संभव कैसे हो पाएगा, इस पर अगला सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले अब देखिए कि कैसे लाउड एंड क्लियर में ही हमने आपको राफा में युद्ध की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। आपको हम दिखाते हैं वो तारीख जब लाउड एंड क्लियर में हमने आपको कहा था कि राफा में अभियान शुरू होने वाला है। सुमित आइए मेरे साथ यहां इंफॉर्मेशन वॉल पर, और मनीष आप भी ज्वाइन करिए, क्योंकि राफा में हलचल जिस तरीके से तेज हो रही है किसी भी वक्त इसी ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ सकती है। ये खबर हमने 2 मई को दिखाई थी। इसी के साथ साथ 6 मई को वो खबर दिखाई जब अमेरिकी हथियार यूक्रेन भेजे जाने से नेतन्याहू की नाराजगी को लेकर बड़ी खबर थी। सुमित हमने चर्चा भी की थी कि जो हथियार इजरायल को भेजे जाने थे वो हथियार यूक्रेन भेजना बहुत भारी पड़ सकता है। क्या आज का एक्शन उसी का नतीजा है? और उससे पहले 22 अप्रैल को हमने दिखाया था कि राफा पर हमला ना करने की अमेरिकी चेतावनी को भी अब यहां वॉर कैबिनेट में रहते हुए रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले सुमित देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यह आप मान के चलिए कि अब अमेरिका ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो इसराइल को इस मामले में नहीं समझा सकता। इसीलिए लगातार देखिए राफा के ऊपर अटैक किया जाता है। और अगर आप 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू और या फिर आप IDF का बयान सुने तो उन्होंने कहा था कि हम इसका कोई फौरी इलाज या फौरी एक्शन नहीं चाहते, हम इसको टेम्परेरी नहीं, हम इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। और यही वजह है कि अगर वो परमानेंट सोल्यूशन करना है तो फिर राफा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और लगातार यही वजह है कि आपने जिस तरीके से देखा, पहले ऑपरेशन नॉर्थ से चले, फिर आपने देखा कि वो राफा की तरफ बढ़े, अब राफा की तरफ से नीचे से ऊपर चल रहे हैं और एक ऐसे कंसोलिडेट इलाका बना दिया जाएगा जहां पर हमास या फिर ये लोग इकट्ठा होंगे और पूरे इलाके को कंट्रोल कौन करेगा? इजराइल करेगा। तो ये एक तरीके का परमानेंट सोल्यूशन है दोनों युद्ध फ्रंट पर, यूक्रेन इजराइल और अमेरिका। देखिए सुरभि, हमारे दर्शक इस बात को समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद हम गाजा का युद्ध क्यों दिखा रहे हैं। बस क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। हमने बताया था कि अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले इजराइल को भेजने वाले हथियार
यूक्रेन को डाइवर्ट कर दिया और उसकी पीछे वजह बताई थी राफा। अब देखिए अमेरिका को पहले से पता था कि इसराइल ऐसा करेगा, इसराइल नहीं मानेगा, काश वो मान लेता। अब बात है कि क्या बंधक बचेंगे इससे, कहने कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए अगर बंधक ना मिले, याह्या सिनवार नहीं मिला और इस बीच अगर राफा में कैजुअल्टी हुई तो फिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इस बात पर अमेरिका भी चुप है, यूएन भी चुप है और इसराइल भी। लेकिन अब राफा में हलचल के बाद, आज के एक्शन के बाद, क्यों हम ये कह रहे हैं कि राफा पर अगले 24 घंटे बेहद अहम है? यही है अगली बड़ी खबर। अब काहिरा पहुंचे CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को लेकर खबर ये कि हमास के नेता भी अब काहिरा में पहले से मौजूद है और राफा पर हमले के बीच शांति वार्ता की पहल हो रही है। अप्रैल में दोनों पक्षों की बातचीत नाकाम रही थी, लेकिन एक बार फिर से बातचीत को लेकर यह खबर है और यह खबर आज जिस लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसी पर सवाल करूंगी और उसी आधार पर यह भी सवाल कि क्या राफा पर अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। इंफॉर्मेशन डिटेल में अब आपके सामने। राफा में बारूदी कहर नाकाम, शांति वार्ता ही एक नतीजा, क्योंकि 30 अप्रैल को जानिए कैसे इजरायली प्रतिनिधिमंडल मिस्र गया था। प्रतिनिधिमंडल में ही मोसाद और शिनबेट के साथ साथ IDF के मेंबर्स भी मौजूद थे। अब मिस्र में हमास के साथ बंधक संकट पर चर्चा हुई थी, यहां तक कि हमास को 40 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव मिला था और पहले चरण में 30 से ज्यादा बंधक रिहा किए जाने की शर्त थी। इसराइल को सिनवार की तरफ से सही जवाब नहीं मिला। यही एक और सबसे बड़ी वजह मनीष कि अब हम ये कहें कि बात डायलॉग तक सीमित नहीं रही, एक्शन पर आ चुकी है। देखिए 7 अक्टूबर का वो हमला याद करिए जब हमास ने इसराइल में नरसंहार किया था। भारत समेत पूरी दुनिया ने इसराइल का साथ दिया और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि महज 7 महीने के भीतर हर कोई भूल गया कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गाजा में इसराइल ने जो एक्शन किया उससे इसराइल के सहयोगी देश भी सहमत नहीं थे और अब राफा में ये एक्शन चल रहा है। कहा यही जा रहा है कि याह्या सिनवार को पकड़ेंगे, याह्या सिनवार को मार देंगे, लेकिन 7 महीने तक में याह्या सिनवार का पता नहीं चला। 130 से अधिक बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में है, वो कहां पर है किसी को नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस राफा में इसराइल की मर्जी के बगैर दवाई नहीं पहुंच सकती है, खाना पीना नहीं पहुंच सकता है, वहां पर हमास को हथियार कैसे मिल जा रहे हैं, इस सवाल का IDF के पास कोई जवाब नहीं। और यूपी के लखीमपुर खीरी में अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर हमला बड़ी खबर बता दे। रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार कहा, सत्ता में आए तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाएंगे। आज मैं रामगोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते अमेठी में 20 मई को चुनाव है और अमेठी का मूड क्या है, संवाददाता गौरव अग्रवाल की ये रिपोर्ट देखिए। राहत इंदौरी का एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। और देश की जनता चाहे पॉलिटिक्स में चुनाव लड़े या ना लड़े वो देश की जनता चुनाव और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है। और जब आप हो अमेठी जैसी सीट पर जो वैसे ही पॉलिटिकली इतना वाइब्रेंट है, जो राजनीतिक तौर पर इतना ज़्यादा इस वक्त देश के नक्शे पर जिसकी बात हो रही है, देश के मैप पर जो हाईलाइटेड है, वहाँ आप आएँ और केवल नेताओं से बात करें, लोगों से ना बात करें, थोड़ा अटपटा है। इसलिए अभी हम अमेठी में रोड किनारे एक समोसे छोले की दुकान पर हैं जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ मैम बैठी हुई हैं, जहाँ छोला बनाने वाले समोसे छोले बनाने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया अमेठी में कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है अमेठी में, हम लोग तो शर्मा जी के साथ हैं। चुनाव अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा भी रहा है और इस समय सांसद लोग शर्मा जी के साथ हैं। थोड़ा मैं बैठ जाऊं आपके बगल में, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद। जावेद भाई छूटते ही आप बोल रहे हैं हम शर्मा जी के साथ हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखो सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई सरकार अगर बहुत बार से बनी रहती है एक ही बार तो उसको बदलना जरूरी होता है, तभी अगला नेता हमारा जो होता है वो सक्रिय होता है। आप बताइए महिलाओं के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की तो सांसद एक महिला है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्शन में महिलाओं के लिए आप लोगों के लिए बात हो रही है? मेरे को तो नहीं लगता कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है। यहाँ पर बच्चों की फीस इतनी महंगी है, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ अच्छा काम हो रहा है। 3 तलाक को BJP बड़ा मुद्दा बनाती है, कहती है हमने महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा एम्पावरमेंट किया है, इस पर आपकी क्या राय?
नहीं, वो तो हमारा अपना मैटर है, तो उसमें हमें नहीं, वो हमारी शरीयत पहले है, तो हम मेरे को ये नहीं है कि हाँ वो सही कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तीन तलाक आसान नहीं है कि हाँ तीन तलाक किसने बोला तो दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ओबीसी और दलितों का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है हम मंजूर नहीं करेंगे। ये गलत है। देखो, मुस्लिम को भी आरक्षण जो मिला है वो मिलना चाहिए, दलितों को भी जो मिला मिलना चाहिए, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया आप, क्या कह रहे हैं? आरक्षण धर्म जात के आधार पर नहीं, गरीब के आधार पर मिलना चाहिए, हर जात में गरीब हैं। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। अंकित पांडे, तो आप क्या कह रहे हैं, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए? न धर्म के, न समाज के, जात के, गरीब के आधार पर मिलना चाहिए, हर जात में हर धर्म में गरीब लोग रहते हैं। अच्छा, आगे ये केएल शर्मा जीत रहे हैं, 2 लाख वोटों से जीतेंगे अमेठी विधानसभा, अमेठी से। अरे यार, आप तो ज्योतिषी हो क्या? हाँ, अमेठी पूरा इनका पूरा माहौल बन चुका है, अब की जो है कांग्रेस जीतेगी अमेठी से, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत इतना कॉन्फिडेंस से भविष्यवाणी कर रहे हो? अमेठी से स्मित रानी जीतेंगी, काफी पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत से जीतेंगी, या 400 पार से। आप भी ज्योतिषी का काम कर रहे हो? ज्योतिषी नहीं, उन्होंने काम किया है, राहुल गांधी यहाँ पर मतलब सांसद रहे, कुछ किए नहीं, केवल साल भर में 1-2 बार आते थे। एचएल उन्होंने दिया, बीएचएल उन्होंने दिया, बहुत सारी कंपनियां उन्होंने दिया। रुको यार, क्या क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने भैया क्या नहीं किया बताइए, आप कांग्रेस बताइए, बीजेपी का कार गिनाइए आप। कितने दिन आए? अरे यार, 5 साल कांग्रेस ने क्या नहीं किया यार, आईआईटी दिया, एम्स दिया, क्या नहीं दिया यार? मतलब होना चाहिए, ये नहीं इतना बड़ा देश है उनको हर जगह देखना। तुम बोलो भैया, तुम क्या कह रहे हो? कभी निर्माण कांग्रेस ने ही तो किया यार, क्या नहीं किया कांग्रेस ने बताइए? अमेठी के लिए क्या किया? अमेठी के लिए पूरे जनता के लिए क्या नहीं किया यार? क्या नहीं किया? सब कुछ तो ही किया है, हर चीज तो अमेठी के लिए। अब तो ये आके केवल 5 साल लूटे हैं, 14 रुपए किलो चीनी बता के। क्या क्या किया अमेठी के लिए पूछ रहे हैं? क्या नहीं किया बताइए, क्या क्या किया? बाबूजी आ गए, बाबूजी क्या नाम है आपका? वीरशंकर शुक्ला। वीरशंकर शुक्ला ताला अमेठी से हैं? अमेठी से। अरे चलिए थोड़ा उधर चलिए, अमेठी में क्या चल रहा है बाबूजी माहौल? अमेठी भैया यहाँ पर कुछ समझ नहीं, पब्लिक कोर्ट दिए कहा है, वो अपप्रचार करता है, अपप्रचार करता है। नहीं, यहाँ पे सब आपस में लड़ गए, कोई कह रहा है कांग्रेस ने क्या किया, कोई कह रहा है बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने किया है। किसने किया है? बीजेपी ने। बीजेपी ने किया है? बिल्कुल किया, गलत काम किया है। गलत काम किया है बीजेपी ने, आज तक कभी हुआ नहीं, आज तक जब से चुनाव समझ रहे हैं, मारपीट गुंडागर्दी कभी न किसी गाड़ी तोड़ी नहीं की आज तक। मारपीट दी बीजेपी ने और क्या? योगी जी ने, योगी ने कहा जब सांसद यहाँ करो, योगी क्या करिए हमारा।